A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes, and this is also your revision. So today we will learn and read the passages, right? So read carefully this passages. Passages क्या होता है? जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था. अभी आज जो हम कर रहे हैं वो सेकंड पैसेज कर रहे हैं. कल फर्स्ट पैसेज बताया था. इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है जिसको आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है और अच्छे से उसको समझना है, और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जिसके आंसर हमको इसी पैसेज में से ढूंढकर करने होते हैं. तो समझ में आ गया, पैसेज एक पैराग्राफ है जिसको आपको रीड करने हैं और उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने हैं. और ये तो डेफिनेटली आएगा ही, सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप. ओके, हम स्टार्ट करते हैं पैसेज. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. अब जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ हैं वो हमेशा, जब भी मैं स्कूल जाता था तो मेरे साथ में स्कूल जाती थी. क्यों जाती थी? क्योंकि स्कूल से जो टेम्पल था वो अटैच था. द प्रीस्ट टॉचर्स द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर. और जो पुजारी हैं वो हमको क्या सिखाते थे? प्रार्थना के वक्त ही, प्रार्थना तो कराते थे ही, साथ में अल्फाबेट्स भी सिखाते थे. तो जो राइटर है वो अपनी दादी माँ के साथ स्कूल जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्योंकि दादी माँ का जो मंदिर होता है वो उनके स्कूल से अटैच होता है, तो दोनों साथ साथ स्कूल चल जाते हैं. और वहाँ के जो प्रीस्ट हैं वही क्या करवाते हैं? प्रेयर भी करवाते हैं और साथ में उनको अल्फाबेट्स भी करवाते हैं. While the children sat in row on either side on the veranda singing the alphabets of the prayers in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो जब बच्चे लाइन बनाकर बरामदे में खड़े हो जाते हैं तो साथ में क्या करते हैं? प्रेयर तो गाते ही हैं और साथ में अल्फाबेट्स हैं वो भी गाते हैं, है ना. कोरस मतलब होता है साथ में गाना. और जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती हैं उस वक्त? मंदिर में अपना पूजा पाठ करती हैं. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब मेरा स्कूल पूरा हो जाता है और जब दादी माँ का पूजा पाठ हो जाता है, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम वापस घर लौट जाते हैं. तो मतलब क्या है कि राइटर अपनी दादी माँ के साथ में स्कूल जाते हैं क्योंकि जो दादी माँ का मंदिर होता है वो स्कूल से अटैच होता है. और जितने देर में जो राइटर हैं वो अपना पूरा कर लेते हैं, मतलब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उतने देर में दादी माँ का पाठ पूजा हो जाती है. तो दोनों वापस जो घर लौटते हैं साथ में लौटते हैं. When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का फिनिश हो जाता है तो हम घर लौट जाते हैं साथ साथ. This time the village dogs would meet us at the temple door. तो इस समय जो विलेज के डॉग्स हैं वो टेम्पल डोर पे मिल जाते हैं, मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते हैं. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर्स फॉर द चपातीज वी थ्रो टू देम. और वो मंदिर के दरवाजे से हमारे घर तक हमारा पीछा करते हुए आपस में लड़ते झगड़ते हुए जाते हैं क्योंकि हम उनको रोटी देते हैं. मतलब उन डॉगीज़ को पता होता है कि ये जब घर पहुंचेंगे तो हमको क्या देंगे? खाने को चपातीज़ देंगे. इसलिए वो जो डॉगी है उनके वहीं से मंदिर से ही पीछे लग जाते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हुए जाते हैं कि भाई अब हमको क्या मिलेगी? चपातीज़ खाने को मिलेगी. तो ये आपका पैसेज था जिसको हमने पढ़ा समझा. इसको आप रीड करिए और अच्छे तरह से और समझिए. अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर, राइट. व्हाई डिड द ग्रैंडमदर गो टू स्कूल विद द राइटर. दादी माँ जो हैं वो राइटर के साथ में स्कूल क्यों जाती थी? ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ राइटर बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. जो दादी माँ थी वो राइटर के साथ में स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि जो स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच था. तो ये जो आंसर है उसको आपको कॉपी में लिखना है, ग्रामर की कॉपी में. पैसेज भी उतारना है, पैसेज के नीचे क्वेश्चन आंसर भी करना है. What did the grandmother do in the temple? अब जो दादी माँ है वो टेम्पल में क्या करती थी? Grandmother sat inside reading the scriptures. मतलब जो दादी माँ है वो टेम्पल के अंदर बैठ जाती थी और अपनी जो जो धार्मिक किताबें होती थी उनको पढ़ती थी. What did the priest teach them? पुजारी उन्हें क्या सिखाते थे? The priest taught us the alphabets and the morning prayer. जो पुजारी हैं वो राइटर को एक तो मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे और उसके साथ ही अल्फाबेट्स भी सिखाते थे. व्हाट डिड दे गिव टू द डॉग्स.
अब वो डॉग्स को क्या देते थे, यानी कि दादी माँ और राइटर्स डॉग्स को क्या देते थे, तो क्या देते थे और क्यों डॉग्स लड़ते थे, उनका पीछा क्यों करते थे, क्योंकि वो उनको चपातीज देते थे। तो इसका आंसर आएगा दे गेव्स द डॉग चपातीज, या आप सिंपल वन वर्ड में चपातीज भी लिख सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय, अब यहाँ पे आपको टू वर्ड्स दे रखे हैं, कोरस एंड स्क्रिप्चर्स। कोरस क्या होता है, सिंग टुगेदर, साथ में गाना, और स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, हॉली बुक्स, यानी कि पवित्र ग्रंथ या धार्मिक किताबें, उनको हम बोलते हैं स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो ये आपका पैसेज कंप्लीट हो गया, इसको आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, और ये पैसेज भी है, तो मतलब पहले आपको कॉपी में क्या करना है, पैसेज उतारना है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो डू योर वर्क नीटली क्लीनली एंड टाइम टू टाइम एंड सबमिट योर कॉपी ऑन टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।